बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं अब्दुल्ला फूड। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्या चीज़ है। इस चीज़ को वुड एप्पल कहते हैं, पंजाबी में बैलगिरी, और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है ये फ्रूट। इसको स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है मोस्टली इंडिया में, भारत में और पाकिस्तान के कुछ अज़ला में, जिसमें सबसे ज़्यादा पंजाब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिंध के कुछ हिस्सों में जो इसको ग्रो करते हैं वहाँ भी ये पाया जाता है। ये बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता है। देखें, अगर ये किसी के सर पे मारा जाए तो उसका सर फूट सकता है और वो ज़ख्मी हो सकता है। मैं आपको इसके फ़वाद बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये नहायत ही खाने में टेस्टी होता है, बहुत ही खुशबूदार एक फल है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ हो। अब मैं आप उसको तोड़ के दिखाता हूँ, देखें कितना सख्त है ये, और इसका ये शेल तोड़ूँगा सबसे पहले मैं। ये देखें, इसका शेल तोड़ दिया है मैंने, और ये बहुत ही नारियल के जैसा ये सख्त और स्ट्रांग होता है। अंदर से ये बिल्कुल एक नरम मुलायम एक चीज़ निकलेगी इसमें से। ये देखें, ये बहुत ही नरम इसमें से फ्रूट निकलेगा अंदर से। ये उन अफराद के लिए जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है शदीद, तो वो ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये देखें, एक पेस्ट की तरह इसमें से निकल रहा है फ्रूट। ये सारा इसका मैं निकाल रहा हूँ। ये इस तरह, बाकी इसका शेल फेंक देंगे हम। अब इसमें से इसकी सीड्स निकालेंगे अंदर से। इसमें काफ़ी अंदर सीड्स होते हैं ये ऐसे। ये इस तरह के सीड्स निकलेंगे इसमें से। ये सीड्स इसमें से निकाल के, अच्छा आप इसका ऐसे भी खा सकते हैं, इसका मिल्क शेक भी बन सकता है, इसका जूस भी बन सकता है, और इसको कुछ मसाले वगैरह ऐड करके ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं। तमाम टेस्टी होता है, बहुत ही खुशबूदार चीज़ है, अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी चीज़ है। देखें, इसमें से ये सारे सीड्स निकाल के इसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब हम इसका बनाएंगे मिल्क शेक। एक से दो गिलास मैंने शामिल किया है मिल्क, और ये पेस्ट इसका इसमें ऐड कर देंगे। मिल्कशेक इसका रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मिल्कशेक बना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके लिए नई रेसिपी, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नई लाजमी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।